गोरखपुर नई उमंग अपनों के संग का द्वितीय शपथ ग्रहण समारोह बहुत ही उमंग और जोश के साथ स्थानीय तरंग रोड स्थित होटल बोबीना में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि अंशिका वर्मा IPS CEO कोतवाली, विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, प्रमुख व्यवसाय एवं समाज सेवी श्री पुष्पदन जैन एवं सुविचार स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमती प्रकृति अग्रवाल एवं अध्यक्ष रेणु कंदोई द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। तत्पश्चात अनन्या ने गणेश वंदना पर नृत्य प्रस्तुत किया। सभी सदस्यों ने मिलकर हनुमान चालीसा का गायन किया। स्वागत नृत्य शालिनी, पारुल एवं ऋचा द्वारा किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि श्रीमती अंशिका वर्मा ने नवनियुक्त अध्यक्ष रेणु कंदोई, सचिव सीमा संथालिया, कोषाध्यक्ष ममता बनका, उपाध्यक्ष पूनम रुंगटा, रविता टिबड़ेवाल, नीलम वासनेवाल, सह सचिव स्मिता केडिया, सह कोषाध्यक्ष शशि मोदी, मीडिया प्रभारी सुनैना बनका, जनसंपर्क अधिकारी सविता चौखानी, सांस्कृतिक सचिव शिखा सिंघानिया, सेवा कार्य प्रभारी सावित्री दास, मंजू दोजानिया, कार्यकारिणी सदस्य मंजुला दास, बिंदु टिबड़ेवाल एवं वंदन जलान को शपथ दिलाए और सबको बधाई एवं शुभकामनाएं दी। नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती रेणु कंदोई जी ने अपने आगामी कार्यों और संस्था के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आज की भागम भाग जिंदगी में हर कोई अपने आप में व्यस्त है। महिलाएं घर बाहर समाज की जिम्मेदारी निभाते निभाते ही जिंदगी बिता देती हैं। आज के समय में हमारी संस्कृति पर आधुनिकता का हमला हो रहा है। अपनी संस्कृति के संरक्षण और महिलाओं की प्रतिभा को एक मंच देने के लिए इस समिति का गठन किया गया है, जो सभी अपनों को साथ लेकर समाज के हर व्यक्ति के उत्थान के लिए अपना प्रयास करेगी। मुख्य अतिथि अंशिका वर्मा जी ने नई समिति और सभी पदाधिकारियों को अपने आशीर्वचन में कहा कि आप लोगों ने जो नाम ही रखा है वह अपने आप में अपनी महत्ता को सिद्ध करता है। अपने बारे में सब सोचते हैं, अपनों के बारे में सोचने का जो कार्य आपने किया है उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। हर महिला में बहुत शक्ति होती है, बस दरकार यह कि वह अपनी शक्ति को जाने समझे। कोई भी देश और समाज आधुनिकता के साथ साथ अपनी सभ्यता और संस्कृति पर ही मजबूत रहता है, जिसको सहेजने का कार्य आप कर रहे हैं। दोनों विशिष्ट अतिथियों ने भी अपने अपने संबोधन में संस्था को बधाई दी और मार्गदर्शन के लिए आशीर्वचन दिए। प्रोग्राम चेयरमैन श्रीमती मंजू दोचानिया, गुंजन जलान एवं रुचि अग्रवाल ने सबका स्वागत किया। धन्यवाद सचिव सीमा संथालिया ने दिया। कार्यक्रम का संचालन उपाध्यक्ष पूनम रुंगटा एवं शिखा सिंघानिया ने किया। सभी ने अंत में चटपटे व्यंजनों का स्वाद लिया। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आप सबसे व्यक्तिगत रूप में भी परिचय करती, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप सबसे मैं इंडिविजुअल तौर पे मिलूं और आपसे बातें करूं और आपकी जो विजन है महिलाओं को लेकर उसको पूर्ण करने में आपकी सहायता कर। आज दूसरा कार्यकाल है आपका और इंस्टॉलेशन क्या करना चाहेंगे? हमारी संस्था का यह दूसरा इंस्टॉलेशन सेरेमनी है आज। एक साल में हमारी संस्था ने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करे, नगर में अपनी एक अच्छी छवि बनाई, अच्छी पहचान बनाई। मेरी सभी बहनों ने मेरे पे विश्वास करते हुए पुनः मुझे ये पद सौंपा है और मैं कोशिश करूँगी कि उनके जो उनका विश्वास है उस पर मैं खड़ी उतरूं और कुछ अच्छे और बढ़िया सार्थक कार्य कर सकूं, समाज के लिए कुछ अच्छे सेवा कार्य कर सकूं, ये मेरा प्रयास रहेगा। क्या नाम है आपका? रेणु कंदोई।